हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल देख के आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि आज का जो मेरा वीडियो है वो है विंटर वेयर हॉल। एक्चुअली मैंने मिंत्रा से बहुत सारे विंटर वेयर्स ऑर्डर किए हैं। एक्चुअली यू नो मैं बता दूँ, आई थिंक इट्स वर्थ 12,000। ओके, सो इट्स वर्थ 12,000 मैंने ऑर्डर किया है विंटर वेयर्स। एंड इसमें डिफरेंट वराइटीज़ मैंने ऑर्डर किया है, लाइक हो गया स्वेटर, कार्डिगन्स, पॉन्चो, श्रग्स, जैकेट्स, लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ विंटर वेयर मैंने ऑर्डर किया है। एंड लेट मी वेयर देम। सो वो सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ विंटर वेयर्स आई एम गोना ट्राई, और लेट्स सी दैट कि यू नो कौन सा मुझे पसंद आता है और आप लोगों को भी उसमें से कौन सा पसंद आता है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट गाइज, इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम विजिटर। एंड जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलिएगा, सो दैट यू नो इफ़ एनी टाइम आई पोस्ट द वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड देन। सो जो पहला स्वेटर है वो ये है, एंड एक्चुअली ये राउंड नेक है, एंड देन इसका जो कलर है मुझे बहुत ही पसंद आया। लाइक तीन कलर है इसमें, दिस रस्ट ऑरेंज एंड पिंक कलर एंड दिस ग्रे कलर। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही पसंद आया, इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किया। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि इसका जो साइज़ है, मैंने लार्ज साइज़ ऑर्डर किया है। लाइक मैंने पहले ही बताया, बिकॉज आई एम अ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम, तो मुझे थोड़ा सा लूज़ ही पसंद है, इसीलिए मैं एक साइज़ हमेशा बड़ा ही ऑर्डर करती हूँ ड्रेसेस में या फिर स्वेटर्स में। मुझे लगता है कि मुझे एक साइज़ ऑर्डर बड़ा ऑर्डर करना मेरा डिसीजन ठीक रहेगा या नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज मुझे ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। नेवर माइंड, मैं एक अभी ट्राई करके देखती हूँ, एंड विल सी दैट यू नो इसका फिटिंग कैसा रहेगा। एक्चुअली यू नो व्हाट, लेट मी जस्ट क्विकली वेयर दिस वन एंड शो इट टू यू गाइस कि ये मुझ पे कैसा लगेगा। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, और ये मुझे बहुत ही पसंद आया एक्चुअली। जैसा मैंने कहा कि इसके कलर के कारण जो फेस एंड ऑल, लाइक मिरर में भी देखो तो फेस एंड ऑल बहुत पिंक एंड प्लम्पी लग रहा है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ दिस स्वेटर, एंड इसका कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत पसंद आया। और एक्चुअली लाइक दिस नेक एंड ऑल एवरीथिंग इज लाइक रियली गुड। इट्स बिट लूज लाइक आई सेड ऑलरेडी, मुझे थोड़ा सा लूज ही पसंद है। आई डोंट प्रिफर वेयरिंग टाइट, चाहे वो क्लोथ्स हो या फिर स्वेटर हो, आई डोंट प्रिफर द टाइट वंस। सो थोड़ा सा लूज ही मुझे पसंद है, एंड देन यू नो इस स्वेटर को एक्चुअली मैं लेयरिंग भी कर सकती हूँ, लाइक अंदर टैंक टॉप पहन लिया या फिर वाइट शर्ट पहन लिया या कोई शर्ट पहन लिया, लाइक हैविंग द कॉलर एंड देन दिस स्वेटर। ऑल राइट, मैं बता दूँ ये रोडस्टर ब्रांड का है ये स्वेटर, एंड इसका जो प्राइस है वो है 800, 799। मुझे कितने में मिला, मुझे 719 में मिला ऑफर में एक्चुअली, बट अभी ये 799 दिखा रहा है। ऑल राइट, तो मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट विंटर वेयर। ऑल राइट, तो ये है नेक्स्ट स्वेटर, एंड मैं बता दूँ कि मैंने दो ही स्वेटर ऑर्डर किया है, इसके अलावा जो भी है वो है जैकेट्स, श्रग्स, पॉन्चोज एंड लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंड कार्डिगन, वो मैंने ऑर्डर किया है। तो दो स्वेटर और ये दूसरा स्वेटर है एक्चुअली। एंड मैं बता दूँ लाइक मुझे लगता है कि प्रीवियस स्वेटर से ये स्वेटर मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है, बिकॉज ऑफ यू नो ये ब्राइटनेस के कारण उतना पता नहीं चल रहा है, बट इसका कलर एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्रिटी है। एंड इसके ऊपर ये जो एम्ब्रॉयडरी बने हुए हैं फ्लावर्स के, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। लाइक मैं पास से दिखा दूँ, ये जो एम्ब्रॉयडरी बने हैं बहुत ही क्यूट है, एंड देन दिस डिटेलिंग। एक्चुअली मेन रीज़न मैंने ये स्वेटर ऑर्डर करने का लाइक दिस वन, बिकॉज यू नो इट ये मोर देन स्वेटर, इट लुक्स लाइक अ टॉप। विंटर में यू कैन जस्ट वेयर इट विद द जीन्स, you don't have to do the layering with this one, and ye actually thick hai, so inside bhi you don't need anything actually, jo india ka weather hai uske liye aap, you don't have to do the layering and all, so this is so pretty actually, bahut hi mujhe pasand aaya, and the sleeves are like this। वीडियो में शायद ये एग्जैक्टली वैसा नहीं दिख रहा है जैसा ये एक्चुअल में है, बट मैं बता दूँ ये बहुत ही प्यारा कलर है। और जो प्रीवियस स्वेटर है वो मैं बताना भूल गई कि इसका जो लेंथ है इट्स लाइक यू नो नॉट टू लॉन्ग, जो प्रीवियस स्वेटर था मेरा वो थोड़ा सा लॉन्ग था, एंड दिस वन इज़ लाइक द परफेक्ट साइज ऑफ जो नॉर्मल यू नो यू वेयर अ टॉप ओवर अ पैंट, सो दिस इज़ द साइज ऑफ द नॉर्मल टॉप दैट यू वेयर ओवर द पैंट। तो सो दैट इज़ हाउ इट इज़ एक्चुअली।
आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ द लाइट. वैसे तो मैं नेचुरल लाइट यूज़ कर रही हूँ बट इट्स नॉट यूनिफॉर्म, तो इसीलिए वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है कलर. बट बहुत ही प्यारा स्वेटर है ये, मैं बता दूँ. ऑल राइट, सो ये स्वेटर का प्राइस है 899. सो ये मुझे मिला है 899 में 900, एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड मैसन हार्बर. एक्चुअली मैंने अब तक जितने भी यू नो टी शर्ट्स ड्रेसेस ऑर्डर किए हैं इस ब्रांड से, मैसन हार्बर से, यू नो उन्होंने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया. एंड द स्वेटर इज वेल, आई रियली लाइक द क्वालिटी. बहुत ही मुझे एक्चुअली पसंद आया इसकी क्वालिटी भी, एंड लाइक एवरीथिंग, द कलर एंड द प्रिंट एंड लाइक एवरीथिंग अबाउट द स्वेटर इज रियली गुड. तो मुझे बहुत ही पसंद आया. और इसका जो करंट प्राइस है वो एक्चुअली 899 ही है, तो द प्राइस हैज नॉट चेंज फॉर दिस स्वेटर. थोड़ा सा फैट दिखा रहा है, थैंक यू. मुझे स्लीव्स, यू नो लाइक व्हेन यू ऑर्डर द लार्ज वन, द ओनली प्रॉब्लम विद द स्लीव्स एंड ऑल, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ही लूज होता है स्लीव्स. अदरवाइज यार यहाँ से तो ठीक है, बट यहाँ से बहुत ही यू नो लाइक द परफेक्ट फिट नहीं लगता. एनी वेज नेवर माइंड, आई एम हैप्पी विद इट. जो फिट है एंड ऑल एवरीथिंग इज गुड बिकॉज आई कैन एक्चुअली डू द लेयरिंग विद दिस एज वेल. तो ऑल राइट, मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट विंटर वेयर, लेट मी क्विकली वेयर इट एंड शो इट टू यू गाइज. ऑलराइट गाइज, सो जो मेरा थर्ड विंटर वेयर है वो है ये पॉन्चो. एक्चुअली मैंने जो स्वेटर है वो चेंज नहीं किया, बस पॉन्चो डाल लिया बिकॉज यू जस्ट कैन लाइक यू नो जब ये पॉन्चो आप पहन रहे हो तो यू हैव टू वेयर समथिंग बिकॉज इसका जो स्लीव्स एंड ऑल इट्स ओपन. सो दिस इज हाउ द पॉन्चो लुक्स, एंड अगेन द कलर इज नॉट एग्जैक्टली वॉट इट इज, बट बहुत ही प्यारा कलर है मैं बता दूँ. और इसके जो बॉर्डर पे ये टैसल बने हुए हैं, लाइक दिस आर द वुलन टैसल्स, बहुत डिस्ट्रेस्ड टैसल हैं. सो लाइक दिस इज हाउ इट इज. एंड जो स्लीव्स है यू डोंट हैव एनी अटैचमेंट हियर, तो ये खुला है. सो जस्ट लाइक द नेक बस डाल लिया. सो लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉन्चोस यू गेट इट, बट इन दिस टाइप यू आर नॉट गेटिंग एनी अटैचमेंट फॉर योर स्लीव्स. तो ये शॉल के जैसा है. एंड देन सो इसका जो नेक है वो राउंड नेक है, एंड इसकी जो नेक पे इफ़ यू कैन सी इट्स अ सिल्वर लेसिंग. ये जो प्लेन सॉलिड पॉन्चो है तो उसको थोड़ा सा लाइक लेवल अप कर रहा है. सो इट्स रियली गुड. एंड द फैब्रिक, ऑफकोर्स इट इज़ वुलन, बट आई रियली लाइक द क्वालिटी ऑफ द वुलन दैट दे हैव यूज फॉर दिस पॉन्चो. बहुत ही सही क्वालिटी है इस पॉन्चो की. एंड इसका कलर भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, लाइक इफ़ यू आर वेयरिंग एनी एथनिक ड्रेस और लाइक इंडियन वेयर और वेयरिंग दिस पॉन्चो और थ्रोइंग दिस पॉन्चो, बहुत ही प्यारा लगेगा एक्चुअली. ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट द प्राइस, ये मुझे मिला है 742 में, एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड ड्रेसबेरी. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ड्रेसबेरी इज ऑल्सो अ नाइस ब्रांड. मैंने ड्रेसबेरी से वेस्टर्न वेयर्स ऑर्डर किए थे एंड आई रियली लाइक्ड देम. सो इवन दिस पॉन्चो रियली गुड. सो दिस इज फ्रॉम द ड्रेसबेरी ब्रांड एंड आई गॉट इट फॉर 742. और उसका जो अभी करेंट प्राइस है वो कितना है, 799. हाँ, तो इसका प्राइस बढ़ गया है अगेन. तो दिस इज शोइंग 799 फॉर यू गाइस एंड आई गॉट इट फॉर 742. सो ऑलराइट देन, मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट विंटर वेयर. ऑलराइट गाइस, सो जो मेरा नेक्स्ट विंटर वेयर है वो है ये मरून श्रग. एक्चुअली ये मरून कलर में है एंड इसका जो स्लीव्स है वो लॉन्ग स्लीव्स है और इसका जो फ्रंट है इट्स इन द वाटरफॉल पैटर्न. सो व्हाट्स गुड अबाउट दिस श्रग इज इट्स नॉट लाइक दोज रेगुलर श्रग्स जो होते हैं उसके जैसा नहीं है, बिकॉज इसको लाइक ये फ्रंट में जो डिटेलिंग है इसके कारण इट्स लुकिंग डिफरेंट, एक्चुअली लुकिंग रियली गुड. मैं बता दूँ बिकॉज इट्स अ लॉन्ग श्रग, उसके कारण इट विल एक्चुअली मेक यू लुक टॉलर. एंड इवन इफ यू आर बिट हैवियर ऑन योर टमी एंड लाइक जस्ट, तो इसके इस पैटर्न इस डिज़ाइन के कारण इट वोंट लुक ऑकवर्ड एक्चुअली. तो बहुत ही सही है, मुझे पसंद आया ये. जिनका जो बॉडी है थोड़ा सा कर्वी बॉडी है फॉर देम इट्स रियली गुड. सो या लाइक्ड इट. सो द प्राइस ऑफ दिस श्रग इज 1396. तो इनफैक्ट अब तक के जो भी मैंने आपको विंटर वेयर दिखाया है उनमें सबसे महंगा वाला है अब तक का. सो इट्स 1396 एंड it is from the brand called Athena and Athena. So Athena, if I'm not pronouncing it wrong. So it's from the brand called Athena and the fabric used is
polyester. So it's a machine wash. So it's a machine wash and it's a polyester. Actually इसका जो review है वो बहुत ही अच्छा है. So that's the reason why I ordered this one. So yeah, alright then. Moving on to my next outfit. Alright guys, so जो मेरा next winter wear है is this white off white long shrug. And let me just show you. Alright, so this is the long off white shrug and it actually comes with two pockets on the side or just sleeves hai, long sleeves hai, and what else, like you know I have a personal suggestion for you guys, like have at least one off white jacket ho ya fir coat ho in your wardrobe, because ye jo white color hai wo bahut hi classy sa elegant sa look deta hai. So you know, definitely I would suggest, because I have one, so that's why you know, isliye maine ye order kiya aap logo ko dikhane ke liye ki it actually look really good. Maybe I don't know in the video because of the lighting it may not look good, but actually बहुत ही सही लगता है अगर आप चाहे वो पॉन्चो हो या कुछ भी हो, यू नो, हैव वन ऑफ वाइट कलर इन योर वार्डरोब. सो ट्राई इट, आई एम श्योर यू गाइस वुड थैंक मी लेटर. सो ट्राई डेफिनेटली. एंड ये मैंने एक्चुअली लार्ज साइज में ऑर्डर किया है एंड आई एम नॉट फीलिंग इट. इट्स एक्चुअली परफेक्ट, लाइक द स्लीव्स एंड ऑल एवरीथिंग इज परफेक्ट. इवन दो आई ऑर्डर्ड अ लार्ज साइज, मुझे थोड़ा सा ये डाउट हो रहा था कि अगर ये, यू नो, देयर इज वन मोर थिंग, लाइक इफ यू ऑर्डर लाइक एक साइज बिगर अगर आप श्रग में ऑर्डर करते हो तो बहुत ही क्लम्जी सा लगता है, बहुत यू नो ढीला ढाला अच्छा नहीं लगता. सो मुझे वो एक डर था, बट नो, इट्स एक्चुअली परफेक्ट फिट इवन दो आई ऑर्डर द लार्ज साइज. सो डू यू सी दैट इट्स एक्चुअली लुकिंग रियली गुड. आई हैव वन ऑफ वाइट कोट जो मैंने यूके से लिया था, वो बहुत ही सही लगता है, यू नो दैट्स द रीजन व्हाई आई ऑर्डर्ड दिस वन. एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ दिस श्रग इज 809 रुपीज़ में मुझे मिला है, तो प्राइस ज़्यादा नहीं है. इट्स 809 एंड सो इट्स फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड कॉल्ड सैसफ्रास. एंड अभी जो इस पॉन्चो का, अभी जो इस श्रग का प्राइस है वो सेम है 809. एंड लाइक जो भी मैंने आपका विंटर वेयर दिखाए हैं, अगर आप फोटो में देखें मॉडल्स ने जिस तरीके से इसे स्टाइल किया है, बहुत ही सही लग रहा है. ऑल राइट देन, टॉकिंग अबाउट दिस फैब्रिक, इट इज एक्चुअली पॉलिएस्टर. It says it's 90% cotton and 10% polyester and it is hand washed, so you can't machine wash it. All right then, moving on to my next winter wear. All right guys, so jo mera next winter wear hai wo hai again a poncho, and this time this poncho is different. Let me show you. कुछ इस तरीके से लगता है. आई थिंक आई एम लुकिंग लाइक अ स्केयरक्रो नाउ. ऑलराइट, सो या, सो दिस इज हाउ दिस पॉन्चो इज एंड दे कैन वेयर दिस वन ऑन साड़ीज एंड ये स्टाइलिश भी लगेगा. एट द सेम टाइम इट विल कीप यू वॉर्म बिकॉज बहुत ही थिक है इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही नॉट वेरी मच थिक, बट इट इज कंपेरेटिवली थिक. जो मैंने अभी श्रग्स दिखाए थे उनके कंपेरिजन में अगर मैं बोलूँ तो ये थिक है. एंड इट हैज़ गॉट दिस ब्यूटिफुल डिज़ाइन. इट्स नॉट एन एम्ब्रॉयडरी, इट्स एक्चुअली विद इन दैट स्वेटर द फैब्रिक इट सेल्फ. सो इट हैज़ गॉट दिस ब्यूटिफुल डिज़ाइन एंड या, वॉट एल्स, the color and all is really good. So talking about the fabric and the price and the brand, wait, where is it? Okay, so this is from the brand called American Eye and ye mujhe mila hai 999,000 rupees mein, and iska jo bhi current price hai wo hai, what's the current price, same, it's 999 and the fabric is what, where's the fabric, it's an acrylic, it's an acrylic and it's a hand wash again, it's not machine. All right guys, so moving on to my next winter wear. All right, so sure, mera next sweater hai, it's from the brand called Urbanic because I know it. अभी तो हर जगह पे Urbanic बहुत ही चल रहा है. So the Urbanic के जो designs हैं वो मुझे बहुत ही पसंद है. In fact जो वो jeans and all वो दिखाते हैं मुझे बहुत ही पसंद है. मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि you know that I want to order and I want to see कि कैसा है. So that's the reason why जब मैं sweater order कर रही थी, winter wears order कर रही थी, तो मैंने सोचा okay fine, मुझे Urbanic के कुछ sweaters दिखे, which कुछ actually मैंने कुछ sweaters दिखे
बहुत ही सही ट्रेंडी डिज़ाइंस थे एंड द कलर्स एंड ऑल रियली गुड. तो आई फाउंड इट कि इट वॉज फ्रॉम अर्बैनिक, तो मैंने कहा ओके चलो लेट मी ऑर्डर दिस एंड सी कि ये ब्रांड कैसा है. एंड दिस इज द स्वेटर दैट आई ऑर्डर फ्रॉम अर्बैनिक एंड यू सी द डिज़ाइन एंड ऑल आई रियली लाइक. इसका जो दिस स्लीव्स लाइक दिस पफ स्लीव्स and it's you know it's not a crop top but it looks like one a bit longer than you know the normally the crop top jo hote hain. So you see kitna sahi hai iska design, mujhe bahut pasand aa raha hai. Talking about the fabric and also soft, bahut hi sahi hai. It feels like you know ऐसा लग रहा है जैसे कि दिस स्वेटर इज एक्चुअली हगिंग मी एंड जो कर्ली कर्ली एंड देन यू नो वो फील आ रहा है एंड द कलर एंड ऑल सो नाइस. बहुत ही सही लग रहा है एंड आई एम जस्ट लविंग दिस स्वेटर. मैं एक चीज़ बता दूँ, हाँ सो जो इसका अटैचमेंट है वो यहाँ से है एंड जो मैंने स्टार्टिंग में दो स्वेटर्स दिखाए थे उसके अटैचमेंट यहाँ से थे. एक यू नो स्टाइल हैक मैं आप लोगों को बता दूँ, लाइक यू नो व्हेन द अटैचमेंट इज फ्रॉम हियर सम हाउ इट मेक्स यू लुक स्लिप. भी अटैचमेंट यहाँ से है वो थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे ब्रॉडर दिखाता है, फैटर दिखाता है. आई मीन यहाँ पे भी फैटर दिखाता है, यहाँ पे भी थोड़ा सा फैट दिखाता है, बट ये वाला इट्स एक्चुअली अ स्टाइल हैक. सो डेफिनेटली ट्राई एंड लेट मी नो कि इफ इट वर्क द सेम वे जैसा मेरे साथ यू नो इट वर्क्स उन स्वेटर में. लाइक दोस पैटर्न वाले स्वेटर जब भी मैंने पहना है तो मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि ऑल ऑफ सडन तो इतनी पतली कैसे लगने लगी. तो it actually works, so definitely try that. And talking about the sweater, I'm just in love with the sweater. मुझे बहुत ही पसंद आया. All right, so ये मुझे मिला है actually 1592, so 1600 में. So yeah, you know it's worth the price. Trust me, it's worth the price. Like talking about the size, let me tell you, ये आपको सिर्फ one size में मिलेगा. They don't have different sizes in this sweater, but I am sure कि ये सबको fit होगा. मैंने एक और cardigan order किया था Urbanic से. For some reason अभी तक deliver नहीं हुआ है, because मैंने कुछ 10 विंटर वेयर्स ऑर्डर किए हैं जो मुझे सारे मिल चुके हैं, but Urbanic ही है जो सबसे late आया है. Not लाइक बहुत लेट, बट कंपेरेटिवली अर्बैनिक के जो स्वेटर्स हैं वो मुझे लास्ट में मिले हैं. एंड अभी तक कार्डिगन जो मैंने ऑर्डर किया है वो अभी तक नहीं आया है. या तो मैं शायद इंस्टाग्राम में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में उसे डालूँ, तो डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ द अर्बैनिक कार्डिगन्स लुक. ऑलराइट गाइस, तो ये था मेरा विंटर वेयर हॉल. होप आप लोगों को पसंद आया होगा. एंड जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मुझे इस वीडियो में ज़्यादा व्यू मिलेंगे तो मैं इन विंटर वेयर्स के साथ एक लुक बुक बनाऊंगी, लाइक हाउ यू कैन स्टाइल दिस विंटर वेयर. तो या ऑलराइट देन, दैट्स अबाउट it. Do not forget to subscribe to my channel if you're a first time visitor, and please hit the bell icon in order to get all the latest updates. And till the next time, take care, bye bye.